मिजोरम में विवाद काफी समय से चल रहा है, इसे शुरू से ही रिपीट एंकर 14। मिजोरम में विवाद काफी समय से चला आ रहा है, इसे शुरू में ही देख लेना चाहिए था कि क्या मामला है, विलंब कर दिया गया। अब स्थिति बेकाबू है, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वहां शांति बहाल करें। कहीं भी महिलाओं के साथ अनाचार दुष्कर्म होना गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है, रोका जाना चाहिए। मिजोरम से छत्तीसगढ़ को जोड़ना ठीक नहीं है। पेंड्रा पहुंचे पूर्व राष्ट्रीय जनजाति आयोग अध्यक्ष एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष नंद कुमार साय का यह बयान सामने आया। मां नर्मदा और रतनपुर दर्शन करने जा रहे जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष नंद कुमार साहू आज पेंड्रा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रेस क्लब भवन में माधव राव स्प्रे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मिजोरम की घटना को लेकर चिंता जताई। मिजोरम की घटना को लेकर नंद कुमार साय का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ हो या मिजोरम, कहीं भी महिलाओं बच्चियों के साथ अनाचार बलात्कार हो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका विरोध होना चाहिए, रोका जाना चाहिए। मिजोरम की घटना को छत्तीसगढ़ से जोड़ना ठीक नहीं है। जनजाति वर्ग कुकी और मैकई के मध्य हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री को अपना अभिमत भेजा है कि सबसे पहले वहां फोर्स लगाकर हिंसा रोकी जानी चाहिए, उनकी मांगों पर बैठकर विचार किया जाना चाहिए। रणभूमि पर इसका इलाज नहीं हो सकता, इसके बाद वहां बैठकर चर्चा करके उनकी मांगों पर विचार किया जाए और संविधान के अनुसार निर्णय लिया जाए। सरकार की ओर से विलंब हुआ है, जिसकी वजह से स्थिति बेकाबू हो गई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले वहां शांति बहाल करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ मंत्रियों के प्रभार और उप मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा। ढाई ढाई साल का जो विवाद था वह भी एक वजह है। प्रधानमंत्री के लगातार दौरे पर कहा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ से बेहद प्रेम हो गया है। बीजेपी की स्थिति प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों का मजबूत होना आवश्यक है। मैंने बीजेपी में रहते हुए प्रदेश की लीडरशिप पर सवाल उठाए थे। जिला मुख्यालय और गुरुकुल के मामले में सर्वादिवासी समाज और पूर्व विधायकों के लगातार विरोध के साथ साथ आदिवासी छात्रों के विरोध पर कहा कि सरकार के नोटिस में सब बातें जानी चाहिए, अन्यत्र कहीं कार्यालय बनाने के संबंध में विचार होना चाहिए। मैं इस विषय में सुना तो था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ है। अब प्रमुख लोग जो सरकार में बैठे हैं उनसे बात होगी तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे। मिजोरम की घटना को लेकर पूरे देश में चर्चा है, लेकिन मिजोरम की घटना के साथ बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ को भी जोड़ना चाहती है। अभी विवाद चोपड़ा का एक ट्वीट आया और लगातार पीयूष गोयल ने भी चर्चा की, छत्तीसगढ़ में देखिए कहीं पर भी बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ अनाचार हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको विरोध होना चाहिए, रोका जाना चाहिए। लेकिन मिजोरम और छत्तीसगढ़ को जहाँ तक जोड़ने का विषय है, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। मिजोरम में जो घटना हो रही है, जनजाति वर्ग वहाँ कुकी नगा बहुतायत संख्या में रहते हैं, और एक जो मैकई वो ग्रुप है शायद ओबीसी में आता है, वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के ये मैंने वहाँ पर इस तरह के आंदोलन और हिंसा की कार्रवाई हो रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी को एक भेजा है एक अपना अभिमत कि सबसे पहले वहाँ पर हिंसा को रोका जाए, फोर्स लगा करके रोकना पड़े, क्योंकि जो भी मांगे हैं उनको उसको फिर बैठ के सुना जाना चाहिए। लेकिन वहाँ हिंसा लोग करते रहे कोई बात है, ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो जायज़ है नहीं है, वो तो बैठ के विचार करना पड़ेगा, रणभूमि में उसका निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए तत्काल पहले वहाँ पर जो हिंसा हो रही है उसको रोका जाए, और क्या मांगे हैं किसकी और कौन क्या कह रहा है उसको बैठ करके चर्चा करें, और जो उचित है
जो संवैधानिक संविधान सम्मत है, नियम और कानून के तहत है, वो निर्णय किया जाना चाहिए। आप अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे, क्या लगता है सरकार पूरे मामले को हैंडल करने में कमजोर रही? मुझे लगता है कि बहुत दिनों से चल रहा है, इसको शुरू में ही देख लेना चाहिए था क्या मामला है। विलम्ब कर दिया गया है और स्थिति अब बेकाबू जैसा हो गई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वहाँ शांति बहाल करे और बाकी बातों को फिर सुने वो। मैंने इनको भेजा है टैग करके प्रधानमंत्री जी को, आप ये करिए और तत्काल पहले वहाँ पर अशांति हर हालत में रुके, उसके बाद उनकी समस्याओं को आप सुने। बिल्कुल भी आप वाजिब नहीं है, जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के दूसरे के हक और अधिकार को अपने उपयोग में लाने की कोशिश जो कर रहे हैं ये गलत है। और इसको जांच करके जो भी लोग इस तरह के गतिविधियों में संलग्न हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी पदों में हैं उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों की बड़ी उपयोगिता है। केवल एक ही दल मजबूत रहे और दूसरा दल कमजोर हो जाए, इससे लोकतंत्र ठीक से संचालित नहीं होगा। इसलिए बीजेपी की स्थिति तो हम बहुत जो बोले हैं वो दिखता नहीं है। मैं जब था वहाँ तब भी मैंने इस विषय को रखा था कि भैया पार्टी को ठीक करो, इसका लीडरशिप भी अच्छा हो और सारे कार्यकर्ता सक्रिय हों। मुझे बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। सर, आदिवासियों की परेशानी होने आदिवासियों का मामला है, पूरा विद्यालय आदिवासियों के लिए था। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है सरकार तक सारी बातें जानी चाहिए। अगर गुरुकुल था, जनजाति आदिवासी बच्चों का भी मामला है, वो विरोध कर रहे हैं और जगत की यहाँ कमी तो है नहीं, तो इसलिए अगर अन्यत्र कहीं जिला कार्यालय को, प्रशासन कार्यालय को बनाने का हो सकता है तो उस पर विचार होना चाहिए, लेकिन इस सरकार को तय करना। इसलिए उनकी नोटिस में पूरी बात गई है कि नहीं, वहाँ तक सब बातें जाना चाहिए और उसको समझ करके फिर सरकार और प्रशासन निर्णय करें। देखिए, आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री जब बहुत सारे नेता रहते हैं उसमें कई बातें रहती हैं। आगे भी चल रहा था कि ढाई ढाई साल मैंने TS बाबा का भी नाम चलता था, ये भी चलता था। तो चुनाव आने वाले हैं, स्वाभाविक है पार्टियां कुछ करती हैं। वो उप मुख्यमंत्री का पहले यहाँ प्रावधान नहीं था, पहली बार ये किया गया है। TS बाबा को मैं समझता हूँ उससे पार्टी को लाभ ही होगा, चुनाव में भी लाभ।